नमस्कार, आप देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया और मैं हूं आपके साथ ही कृष्ण कुमार सैनी। आज बात करेंगे हैप्पीनेस इंडिया पे, जिस प्रकार आज का दौर चल रहा है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। लगातार हम देश समाज की बात में आपको बता रहे हैं कि क्या देश में चल रहा है, क्या समाज में चल रहा है। आपके जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी लोगों के बीच में उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ को जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं और आप जनता की आवाज़ को पूरे समाज तक पहुंचा रहे हैं। आज का चर्चा का विषय है कि जब लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आप अगर बेरोजगार हो, आपके पास कोई काम नहीं है और इसके अलावा कोई और समस्या है तो उसको कैसे निकाला जाए। सबसे पहले आप अपने आप को कैसे स्टेबल करो, उसके बाद अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो वो कौन से रास्ते हैं जिसका आपको रोज़गार मिल सकता है या रोज़गार के रास्ता पाने के लिए आप उस पर चल सकते हो। तो ये सारी बातें मैं भी बताऊँगा। मेरे साथ राज चौहान जी भी मौजूद हैं जो कि जाने माने फिल्म एक्टर है, प्रोड्यूसर है, शिक्षाविद है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लगातार समाज में काम कर रहे हैं समाज के उसके लिए। तो राज जी, आपका भी स्वागत है हैप्पीनेस इंडिया पर। थैंक यू, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। तो शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मान लो जो लोग परेशान हैं, जो जिनका काम नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं या बेरोजगार की श्रेणी में आ चुके हैं, कहने का मतलब है 50,000 सैलरी ले रहे थे तो आज 20,000 ले रहे हैं, तो उन लोगों के साथ कैसे, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आप भी बताइए, मैं भी बताऊँगा, फिर कुछ और भी राय लेंगे। तो उनको क्या करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए और आगे कैसे बढ़े इस दौरान? कृष्ण जी, नॉट ओनली आज के टाइम पे नौकरी का नहीं है, मतलब पूरा ऑल और जो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा बिजनेस पे भी इम्पैक्ट है। वो किसी भी तरह के, चाहे बिजनेस है और चाहे कंपनी का है, कोई भी है, तो हर सिचुएशंस आज बड़ी पैनिक है। और इस सिचुएशंस से निमटने के लिए पहले तो एक्चुअली क्या है कि एक अननोन बीमारी के नाम से पूरा समाज, पूरा देश एक, मतलब मान के चलो कि एक अजीब सी स्थिति में आ गया था जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। और आज जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल गया है तो ये और ज़्यादा समस्या आ गई है हर बिजनेस में, हर लोगों के लिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने आप को मेंटली तैयार रहना चाहिए। और हमारा जो अभी लॉकडाउन के दौरान में जो शेड्यूल बिगड़ चुका है हमारा, सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने आप का जो शेड्यूल है वो सही करें, हम अपनी अपना जो डेली रूटीन है और जो हमने जो लग्जरी जो शौक पाले हुए थे वो धीरे धीरे, वैसे तो बहुत लोगों ने अपने कम कर दिए हैं, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अपने आप को तैयार रखने के लिए अपना जो रूटीन है, जो अपनी दिनचर्या है, उसको सुधारने में, और दूसरा जो भारी अननेसेसरी के जो खर्चे हैं उनसे बचा जाए। तो जैसा कि अभी राज जी ने बताया, ये आपको अपनी जो लग्जरियस है थोड़ा सा उनको कम करना पड़ेगा। पहले भी हमने आपको इसके बारे में बताया कि थोड़ा सा अपने आप खर्चों पे लगाम लगाएं और दूसरा अपने रूटीन को ख़राब ना होने दें, कि जैसा कि भाई आप सुबह जल्दी उठ के अपने एक्सरसाइज करें, अपने माइंड को फ्रेश रखें, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को पढ़ें, तो ये एक आपकी दिनचर्या बनी रहेगी। और लोगों से मिलते रहें, लोगों से मिलने का मतलब है जो आपके मिलने वाले आपके फ्रेंड्स से लगे, उनसे बात करते रहे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति खराब हो चुकी है तो वही आपका सहारा है, उनसे मिलके आपको थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि भाई आपकी रोजगार नहीं है, आपका काम छूट गया है, तो आपको किस तरीके से उसके लिए जाएं? तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कुछ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका रोजगार नहीं है हाल फिलहाल में तो आप उस रोजगार पाने के लिए, सब दो तरीके के रोजगार होते हैं, एक आप जॉब नौकरी करें, दूसरा अपना खुद का काम करें। तो फिलहाल हम आपको सलाह देंगे कि आप अपना कुछ काम करने से बजाय ज़्यादा बेटर है कि आप नौकरी की तरफ जाए, अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसके बाद फिर व्यवसाय के लिए भी बात करेंगे वो कैसे करा जाए। तो नौकरी पाने के लिए आपको करना क्या है कि आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं उनको आप बताएं कि भाई मेरी नौकरी चली गई है तो मुझे कहीं भी ऐसा, अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड काम मिल रहा है तो वो, अगर उससे मिलता जुलता कोई काम है तो वो भी कर ले, क्योंकि टाइम ऐसा है, समय ऐसा है कि यहाँ पे हम अपनी शर्तें नहीं लगा सकते। तो आप अपना काम कहीं भी जहाँ आपको मिल रहा है करें। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जैसे कि हम बता रहे थे आपको, नौकरी में आप कैसे आप नौकरी पा सकते हैं, नौकरी पाने के बहुत सारे जरिए बने हुए हैं, जो आज से पहले भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपना रिज्यूम अपलोड करके वो आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। तो उन वेबसाइट्स पे जाके आप अपने रिज्यूम को, अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसको अपलोड कीजिए। साथ में आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपका जिस भी फील्ड में आप, जैसे मान लो आप टीचर हो तो आप स्कूल्स की जितने भी जो आपके नियर बाई में स्कूल है उन गूगल पे जाके उनकी मेल आईडी आप
इकट्ठा कीजिए और उनको आप अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर दीजिए, तो उनको जरूरत होगा तो आपसे बात करेंगे, आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके भी उनसे बात कर सकते हो, या आप किसी और प्रोफेशन से जुड़े हो तो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए जो फैक्ट्री हैं या कुछ और दुकानें हैं वहाँ पर जाके गूगल से उनके नंबर लेके मेल लेके उनसे डालें, बात करें। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम हाईली क्वालिफाइड है और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई हमें बुलाएगा, अब हमें खुद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम ऐसा है, मजबूरी हो रही है, तो नौकरी पाने के लिए थोड़ा सा आपको हाथ पैर अपना खुद का भी एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, अपने मिलने वालों से, अपने जानने वालों से, अपने रेफरेंस का यूज़ करके नौकरी पाने की कोशिश कीजिए। अगर नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि नौकरी का दौर ऐसा चल रहा है कि निकाला जा रहा है लोगों को, बाई चांस ऐसा हो कि भाई आप लक्की होंगे आपको मिल जाए, नहीं मिलती है तो आपको अपना व्यवसाय करने की कोशिश करनी चाहिए कम लागत में। तो उसके लिए जानते हैं राज्य से आपको बताएंगे कि भाई वो कैसे आपको व्यवसाय शुरू करें, कितनी लागत होनी चाहिए, कौन सा काम शुरू करें, तो उसके बारे में थोड़ा आपको राज्य भी बताएंगे। राज्य क्या हैप्पीनेस इंडिया में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि आगे वो इस लॉकडाउन और इस महामारी के दौर में, दो तरीके की महामारी है, एक कोरोना महामारी और एक आर्थिक महामारी, तो इसमें आप वो, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी सिचुएशंस हैं अपने घर को चलाने की और अपने आप को मेंटेन करने की, तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथी किशन जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है, कि मैं एक सुझाव दूंगा कि इस सिचुएशन में हमने अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को कोई पैनिक नहीं करना है, और एक कहावत होती है कि सेविंग ही अर्निंग है, आप कम खर्चे करेंगे तो वो समझ लो कि आपकी आमदनी है, अननेसेसरी की फालतू की चीज़ें अपने घर से बिल्कुल हटा दें। और मैं बता रहा था आपको कि सेविंग ही अर्निंग होती है, तो कहने का मीन्स ये है कभी कभी सही टाइम पे सही सलाह भी काम कर जाती है। कई बार हमारा एक्चुअली के इस सिचुएशन में कई बार अपने इंडिविजुअल हम रहते हैं तो दिमाग नहीं चलता है, और सबके साथ में अच्छे दोस्त भी नहीं होते, अच्छा समाज भी नहीं होता, बहुत सारे साथी हमारे बाहर से आए हुए हैं वो किसी के टच में नहीं है, और उनके पास में मतलब किराए का बर्डन है, EMI का बर्डन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं केवल ये सलाह देना चाहूँगा हैप्पीनेस इंडिया के माध्यम से कि आप अपना जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करें, आप किसी भी तरह का आपके अंदर स्पेशलाइजेशन है अगर वहाँ पे आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या बिजनेस के लिए भी इतना पैसा नहीं है, तो आप ये देखो कि छोटी छोटी सर्विसेज हैं, छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो आप इंडिविजुअली आप घर से कर सकते हैं, तो उस तरह के काम अपना के और उन चीज़ों में आप सर्वाइव कर सकते हो, अपना डेली रूटीन बन सकता है। सपोज करो जब तक आपके पास में कोई आपका रोज़गार नहीं है या कोई बिजनेस भी नहीं है तो आप अपना रूटीन ना बिगाड़ें, कम से कम आप अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप मजबूत रहेंगे तो वो इस सिचुएशंस को पार हो जाएंगे। कोई भी सिचुएशन टेम्परेरी होती है, लंबी नहीं होती है, तो कभी ना कभी आप अपना पैरेलली आपका जो बिजनेस है, पैरेलली जो आपका ट्राई है वो आप करते रहें, उसके साथ साथ में अपना रूटीन को बढ़िया रखें, अपना खान पान सही रखें, और ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हेल्दी खाने से आप रहेंगे, अगर आप चटनी रोटी भी आप खाते हैं, प्रशंसित मन से खाते हैं, रूटीन आपका सही है, अपने परिवार को भी मोटिवेट करें, अपने आप को भी मोटिवेट करें, इस तरह की चीज़ें आप रखें। तो आज आपने हैप्पीनेस इंडिया में हमने आपको बताया कि अगर आप नौकरी छूट गई है आपकी तो किस प्रकार आप अपने शेड्यूल को आगे बनाए, नौकरी पाने के लिए आप अपने जो टिप्स बताए गए उसको ही फॉलो करें, रोज़गार के लिए भी जो टिप्स बताया कि अगर अपना खुद का व्यवसाय करना चाहें तो पहले कोशिश करें जो आपके मिलने वाले दोस्त हैं उनका कोई काम चल रहा है तो उसके साथ अटैच होने की, नहीं तो कम पूंजी लगा के अपना एक नया व्यवसाय करने की कोशिश करें। तो इस तरीके की जानकारी हम लगातार आपको देते रहे हैं, और देश समाज की बात में राज्य का आज बहुत बहुत स्वागत, हमने राज्य जुड़े और आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, हालांकि हैप्पीनेस विद फिटनेस ये लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आगे की जानकारी और आगे की अच्छी बातें देखने के लिए हैप्पीनेस इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये सारी जानकारी अपने आने और जो आपके सर्कल हैं उनके साथ भी फैलाते रहें। मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि हैप्पीनेस इंडिया केवल आप लोगों के लिए बनाया गया है, और इसमें एकदम से फ्रेंकली अपने कमेंट्स दें, कोई सुझाव दें, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको ज़रूर आप मतलब बताएं, आप उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोग्राम लेके आएंगे। केवल ये नहीं कि हमने बता दिया आपने मान लिया, ऐसा नहीं है, कोई भी अच्छे सुझाव हैं तो हम उसी टॉपिक पे उसी तरह का वीडियो हम बनाएंगे। हैप्पीनेस इंडिया केवल आप लोगों के लिए है ताकि हम सब मिलके इस सिचुएशन से निपटें और एक हमारा वास्तव में हमारा हैप्पीनेस इंडिया बने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे हैप्पीनेस इंडिया। जय हिंद।